कपकपाती ठंड, क्योंकि देखिए इस वक्त शिमला में हो रही है और इसी ठंड में क्रमिक अनशन जारी है बेरोजगार युवाओं की ओर से। ठीक दो दिन पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे और आज दो कांग्रेस विधायक भी आए हैं और इन्हीं विधायकों की ओर से सेशन में भी ये सवाल बिल्कुल उठाया गया है। अगर राजेंद्र राणा की बात करें तो भर्तियों से संबंधित सवाल ये सदन में भी उठा चुके हैं। हमारे माता पिता फोन कर गए कि अगर हम उन्हें झूठ बोल रहे हैं कि हम होटल में हम रूम ले गए, लेकिन बेरोजगार उसके बाद होटल में और शिमला जैसे शहर में जहाँ पे इतनी महंगाई है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हम यही चाहते हैं सरकार हमारी क्योंकि बार बार आश्वस्त, हम भी आश्वस्त कि हमारा काम हो रहा है। करो जैसे कुछ काम है तो पहले कहा गया था कि टेबल इतना पर काम हो जाएगा, और उसके बाद सिफारिश कब तक चेंज, कब तक रिटर्न होगा, उसके बाद यहाँ पे बैठे सर। सर ऐसे सर 2,27,000 एग्जाम हुआ उसके बाद यहाँ से अनेक बहुत जे जैसे ड्राइंग मास्टर है 280 पोस्ट पर, उसमें भी सर 300 पोस्ट हैं। उसके बाद सर एक 200 पास कर सचिवालय कर, उसमें भी सर 82 पोस्ट हैं। उसके बाद 947 स्थान इनके सभी के परीक्षा परिणाम अवलंबित है। आयोग बंद हो गया, हमने उसका भी किया कि चलो आयोग बंद हो गया, कुछ नया परिवर्तन हुआ, परंतु 1.5 वर्षों बाद भी आयोग बंद रहना तो ये बेरोजगारों को जो पूरे तरह दरवाजे बंद करना है। हम पहले स्वागत करते लेकिन अब ना खुश हो कि 1.5 वर्षों बाद आयोग बंद रहना और अब मतलब जब इलेक्शन आ रहे चलो अब भी खोल दे तो अच्छा है, परंतु रिजल्ट भी पेंडिंग हो गए और जो नए एग्जाम आने थे वो भी, वो सारे दरवाजे बंद हो गए। बड़े चिंतित और हमारे माता पिता की हमारे चिंतित, हमारी बहनें बैठी है 11 बजे हमने इनको जबरदस्ती भेजा, बोलते हम आपके साथ ही रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड, बिजली पड़ रही है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था हमारे गाँव में बिजली पड़ने से किसकी मृत्यु हुई, मेरे मम्मी घर चलती है, बीमार पड़ के 3 लोग IGMC में शिफ्ट है। बार बार सर बिजली, हम चाहते हैं सर हमारा परिणाम भी बढ़ जाए, हम नहीं चाहते सर ऊपर बैठे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बेरोजगार है सर, 14 लाख जो रजिस्टर नहीं है वो बेरोजगार, बेरोजगार का बड़ा सहयोग है सरकार को बनाने में, वो सरकार को समझना चाहिए। यदि OPS के पास सबसे ज्वलंत मुद्दा था तो वो था बेरोजगार, और बेरोजगारों ने बड़ा ही सहयोग किया, बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार को सत्ता मिला है। और 4 सालों बाद जो हम पहले हमारी परिस्थिति एग्जाम देने के टाइम आज छोड़ना सर, किसके माता की डेथ हुई है, किसके पिता की डेथ हुई है, जिम्मेवारियों का बोझ है, समाज से बोझ है, माता पिता का जहाँ उनकी परिवार की जिम्मेवारी लगी तो आज हम उनके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। और 4-4 टेस्ट इंडियस किए सर हमने बड़ी मेहनत से, जहाँ हमारे फ्रेंड्स दोस्त हमारे बच्चे थे, हम लाइब्रेरी से बैठे थे, हमारे माता पिता हमारे पास पैसे खर्च कर, मेरे पिता किसान है, मम्मी थे, बड़ी परेशानी के साथ उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो आप प्राइवेट काम कर रहे हैं और वो लोन चुका रहे हैं, परीक्षाएं 4 साल से 4-4 टेस्ट हुए हैं, वो आप लोगों की लड़ाई तो आप लोग लड़ रहे हैं सर, न्याय दिलवा दो सर, बात कुछ नहीं और आपके सर इशू को आपका बहुत बहुत आभार है सर, लगातार ऐसे अपने बच्चे हैं, स्टेट के बच्चे हैं, कोई बात से थोड़ी हल निकालना चाहिए सरकार को। आज
मेरी भी बजट स्पीच है, मैं फोटो में इंक्लूड होना टोटल क्या नंबर बन जाता है सर? टोटल नंबर सर 3,350 के आते हैं। मैं आपको टोटल नंबर करवा देता हूँ। कितने जो आईटी कितने हैं जाएंगे तो क्या बंद कर दिया जाएगा? ये सॉल्यूशन नहीं है सर। चलो हम आपके साथ आपकी बात विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं, बाहर भी उठा रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और बार बार इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि अपने ही तो बच्चे हैं, तो बाहर से थोड़ी है। सर पूरे हिमाचल प्रदेश को सबको लग गया, पता सर हमारे सबको दिखाई दे दी है। अब कहाँ हमने गलती कर रखी है हिमाचल पर, मुख्यमंत्री जी सुन ही रहे हैं। लगभग 12 दिन हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए, नहीं आए। ये दो तीन बार काफी ना चेंज किया। मैं खुद भी एडमिट होया हुआ था, पर शुगर लेवल मेरा डाउन हो गया था, चक्कर आ गया था यहाँ पे, लाइटिंग मेरे को बहुत ज्यादा हो रही थी। कल शाम को भी मैं यहीं पे था सर, घर में मेरे पेरेंट्स परेशान हैं। हम चाहते कि सरकार न्याय करे, रिजल्ट घोषित करे, हम सरकार के साथ हैं। परंतु एक बार रिजल्ट घोषित करें, सब न्याय तो दे हम लोगों को। हमने बड़ी उम्मीदों से सरकार कर रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से। 5-6 साल हो गए ऐसे सर, हमें FIR भी नहीं है सर। पोस्ट कोड 447 था जेओए का, उसमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई। राजा साहब होते, हम राजा साहब को बहुत मिस कर रहे हैं आज की डेट में। अगर वो होते देखो, उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई 556, उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं। 556 में कंडीशनल ज्वाइनिंग ऐसा ही हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं, भारत के अनेक राज्य है जहाँ पे कंडीशनल ज्वाइनिंग मिल चुकी है। देखिए, आश्वासन यही दिया है कि सदन के अंदर इनकी बात को रखेंगे, और बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का प्रदेश के अंदर है, पहले भी रहा है, आज भी विकराल समस्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है तो जो है, और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ा ही है, तो इसीलिए आए थे कि भाई इनसे आकर के व्यक्तिगत रूप में मिल लें और अच्छे से इसको समझ लें, कितनी पोस्टें हैं, क्या है, और जजमेंट जो आई हैं वो क्या है।